हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू अपडी टॉक्स। टुडे आई एम बैक विद अनदर वीडियो ऑफ GTA 5 ऑनलाइन, जिसमें हम बंकर मिशन करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि मुझे क्या क्या मुश्किलात आई थी इस जगह के सिर्फ बंकर तक जाते वक्त, और हमारी गाड़ी का क्या हालत हो गई थी। सबसे पहले तो हमारी गाड़ी दरख्तों के बीच में जाके फंस गई थी जब हमने तेज स्पीड से जा रहे थे, और हमारी गाड़ी दरख्त के साथ टक्कर लगी थी और ये गाड़ी उलट गई थी। उसके बाद बहुत मुश्किल से यहाँ से गाड़ी को निकाला था। उसके बाद दूसरी बात ये थी कि हमारी गाड़ी पानी के अंदर फंसने लगी थी और यहाँ से ही बहुत मुश्किल से निकली थी, और मैंने शॉर्टकट की वजह से गाड़ी की हालत इतनी ख़राब हो गई थी शॉर्टकट लेने की वजह से, पहाड़ी रास्ते से आने की वजह से, कि हमें बाद में अपनी पर्सनल गाड़ी को छोड़ के दूसरी लोकल गाड़ी लेनी पड़ी थी, यानी स्पोर्ट्स गाड़ी को छोड़ के एक लोकल गाड़ी में सफ़र करना पड़ा था। उसके बाद हम बंकर के अंदर आ गए थे, और अगर कोई पीछे से आवाज़ वगैरह कोई आती है तो उसको इग्नोर करना, क्योंकि हमारे जो नेबर हैं वो जब भी मैं वीडियो बनाने लगूँगा तब भी बोलेंगे। वैसे खामोशी होगी जब मैं जैसे ही मैं वीडियो का काम स्टार्ट करूँगा, तो वैसे उनकी आवाज़ें आना शुरू हो जाएंगी। तब हम बंकर मिशन करेंगे और इसमें सेल्फ स्टॉक करेंगे अपना, और स्टॉक हमारा 10,000 का बिकता है और एक जगह में 15,000 का बिकता है, तो हम 15,000 वाली जगह में डिलीवरी देंगे। अगर पास की जगह में बेचते हैं तो 10,000 का बिकेगा, और अगर हम दूरी बेचते हैं तो 15,000 का बिकेगा। तो अब हम अपना स्टॉक लें बेचने चाह रहे हैं, हमने 5 जगह में डिलीवरी करनी है। हम डिलीवरी की जगह में पहुंच गए। मैंने बीच में से रास्ता स्किप कर दिया, वरना वीडियो बहुत लंबी हो जानी थी, तकरीबन आधे घंटे की वीडियो नहीं, आधे या एक घंटे की वीडियो बन जानी थी। अब इन लोगों से लगना पड़ेगा मुझे, ये गाड़ियों से, तो इन लोगों ने एक दफ़ा तो मैं मार भी दिया था। अब ऑनलाइन मिशन में ये नहीं है कि आप मर जाते हो तो आप दोबारा वापस आ जाते हो, मिशन ही कैंसिल होता। तो अब बाद में गुस्सा चढ़ा तो तब मैंने गन लेके इनको फड़काया था, इन सबको। ये सामने बंदा है, कहाँ गया? वो ये भी गया, और वो सामने बंदा जा रहा है, इस तरफ है, इस बंदे को मार दिया। बाकी बंदे आगे तरह से आ रहे थे। अब यहाँ मैंने वीडियो को बहुत ज़्यादा स्किप किया है, और स्किप करने की वजह वो होता है कि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाए तो वो बोरिंग करना शुरू होती है और लोग बीच में छोड़ के चले जाते हैं, उस टाइम वीडियो यूट्यूब रैंक पे नहीं लाता वीडियो को। ये भी गया बंदा, वो यहाँ सबको मार दिया। ये पहले पहले आसान है, आगे जाके मुश्किल होगा। ये मैं रिकॉर्डिंग बाद में करता हूँ, गेम प्ले पहले रिकॉर्ड करता हूँ। वैसे हम दूसरी सप्लाई देने जा रहे हैं, और बस ये पास ही है दूसरी सप्लाई वाला जो है। अच्छा, अब दूसरी डिलीवरी की तरफ पहुँचने वाले हैं। दूसरी डिलीवरी का रास्ता सिर्फ 27 मीटर है। तो ये पहुँच गए दूसरी डिलीवरी की तरफ। अच्छा यार, वीडियो स्किप ना किया तो इसकी वजह से यूट्यूब पर रैंकिंग में लेके नहीं आता। अब वैसे तो एक ही सब्सक्राइबर है जब वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मगर व्यूज तकरीबन 40 या 50 हैं टोटल व्यूज, तो कम अभी 13 वीडियो है, मैं कम से कम 200 वीडियो डाल देता हूँ कि फिर रैंकिंग में आएगा चैनल। ये भी गया, अब देखना और कौन बात में वो है।
इनके पास मेरे से अच्छे हथियार हैं, तो फिर भी हम जीत गया, सबको मार दिया बगैर मरे। मेरी लाइफ बिल्कुल एंड हो चुकी है। पर अब मुझे ये नहीं पता कि टैंकर का ऊपर वाली गन यूज़ कर सकते हैं या नहीं। अगर कोई वीडियो देखता है उसको पता लग जाता है कि कर सकता है, तो मैं तय कैसे करता हूँ जो गन लगी हुई है। कि मैंने तो इंटरनेट में देखा, तो वो इंटरनेट में पता नहीं चलेगा कि टैंकर की गन यूज़ कर सकते हैं या नहीं। अब यहाँ वीडियो तीसरी डिलीवरी के वक्त हेलीकॉप्टर आ गए थे, यानी हमें यहाँ हेलीकॉप्टर से लेना पड़ता था, इसलिए बंकर मिशन जो बहुत मुश्किल मिशन है कहते हैं। तो लोग कहते हैं इससे बहुत ज़्यादा पैसा मिलता है, मैं जब भी मैंने किया मुझे तो आज तक सिर्फ 15-20 हज़ार ही मिला, इससे ऊपर ही नहीं गया। ये देखो हेलीकॉप्टर कितने ऊपर से मार है, ये बंदा है गाड़ी के साथ लग गया, गाड़ी भी फायदा दे रही है। नहीं अभी ये हेलीकॉप्टर से लाइन है, ये हेलीकॉप्टर तबाह। मैं तो प्रो बन गया जीटे का लेवल हो गया। अब ये चौथी डिलीवरी के वक्त हुआ था, इसमें सबसे ज़्यादा ख़तरा हेलीकॉप्टर का होता है, हेलीकॉप्टर बहुत नुकसान पहुँचाते हैं। तो मेरे पास कोई रॉकेट लॉन्चर भी नहीं है जिसको यूज़ की कई हेलीकॉप्टर को तबाह किया जाए, मगर अब मैंने ले लिया है। इस वीडियो में नहीं था मगर अब मैंने लिया, अगली वीडियो में मेरे पास रॉकेट लॉन्चर भी होगा, मगर उसकी गोलियां बहुत मुश्किल, वो महंगी है रॉकेट लॉन्चर की। अब पाँचवीं डिलीवरी देने जा रहे हैं, ये पहुँच गया पाँचवीं डिलीवरी के वक्त, यहाँ इन्होंने हमसे टैंक रख लिया है, हम यहाँ तो बगैर टैंक के लगेंगे ये जो गाड़ी है इसके। और यहाँ दो हेलीकॉप्टर थे, यहाँ टाइम ख़त्म हो गया था, इसलिए मैं तकरीबन 20 दफ़ा मरा हूँ, क्योंकि हेलीकॉप्टर बहुत लेवल के थे इनके। वो मैंने मरने वाला सीन रिकॉर्ड नहीं किया, यहाँ तबाह नहीं हो रहा था हेलीकॉप्टर यहाँ मुझे। उसके बाद ये गया हेलीकॉप्टर का बंदा स्नाइपर से, इधर दूसरा हेलीकॉप्टर यहाँ से तबाह नहीं ना, वो सामने दरख्त के साथ लग गया। यहाँ मुझे गोली लगी थी, हेलीकॉप्टर ने मार दिया था। उसके बाद हेलीकॉप्टर को वो मैंने पीछे गोली मारी थी, वो तो तब ही लगा था, तब मुझे पता लगा कि हेलीकॉप्टर तबाह हो चुका है, ये सीन मुझसे कट हो गया था, यानी सीन सही तरह रिकॉर्ड नहीं कर सका ये। अब ये बंदे को मारते हैं, ये उन्हीं का बंदा हेलीकॉप्टर में से निकला है, बंदे बच गए हैं बीच वाले, इसको हम मार देते हैं जिंदा क्यों है, चल भाई निकल छुट्टी कर। अब हम चलते हैं अगले बंदे के पास, ये गया, ये भी हेलीकॉप्टर से उतर रहा था, सर हेलीकॉप्टर से, अब नहीं बैठ सकते हेलीकॉप्टर से। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और प्लीज़ सपोर्ट मी, क्योंकि एक वीडियो बनाने के लिए 1.5 घंटे के गेम प्ले को तकरीबन 9 मिनट का बना दिया है एडिट करके, तो आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। ओके, अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं अगली वीडियो में।